जय बद्री विशाल ताश फन टीवी नई व्लॉगम से बेहद स्वागत है। तो आज उल व्लॉग में दिखाना चाहो आप तय जो यक प्रसिद्ध मंदिर है ज्वालपा देवी मंदिर। तो आज जाना चाहो ज्वालपा देवी मंदिर, तो आज मैं वक़ा की व्लॉग दिखा दूँ। बहुत लोग बहुत टाइम बटे डिमांड करना चाहना कि ज्वालपा देवी मंदिर पर चल जाए, जब सब जगह घूमे करना गए। तो आज जाना चाहो मैं ज्वालपा देवी मंदिर। तो व्लॉग देखिए, आप पूरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो लाइक कर दिया। तो चलो छो मैं अब फटाफट, मैं भी पहली बार जाना चाहो, मतलब अंत गई छो ना तरफ मंदिर में नहीं गए। तो आज मैं पहली बार दर्शन करना चाहो, तो चल दो छा फिर मंदिर और वक़ा बारे में बताना चाहो मैं आपते पूरा। तो अभी पहुंच गया हूँ मैं बिल्खे तक मती जगह बटे, बहुत अच्छी व्यू आंदो यक मम्मर कुलदेवी मंदिर से, जो सांगड़ मंदिर है वो भी दिखेंदी। अड़ताल जो पूरा बिल्खित बाजार से आते बांगड़ तक पूरा दिखें दो। तो आप देखें यकम कितना बढ़िया व्यू आना चाहिए, दिखा चो मैं आपते तीना तरफ देख लिया हमारे। आप सबसे ज़्यादा दिखे और कुलदेवी मंदिर ना, कुछ गाँव चुन दहसन मूलखंडी और भी गाँव चुन ये ताल देख लिया आपते। बिल्खित बाजार क्या बढ़िया जगह से बिल्कुल यू, और इना तरफ भी देख लिया जमीन तो पूरा बंजर पड़ी, जबकि कितना प्लेन मतलब जमीन ची यकम। ताल देख लिया नदी बहने से बढ़िया से, वकम कैंपिंग वगैरह शायद स्टार्ट हुई च। और इना तरफ ऐतर आपते या सतपुर रोड से ऐतर बांगाट ऐतर हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल से जखम। तो बाकी अभी इना तरफ पहुँच गए मैं पार्ट सैंड रोड में, एक पटे सतपुर बड़ा अच्छा व्यू आता तो दिखा चाहो मैं आपते। तो इना तरफ ये रोड जाने से ऐतर पार्ट सैंड तरफ ज्वाल देवी तरफ, इना तरफ ये चौमस गाँव को जाने से। बाकी इना तरफ देख लिया सतपुर पूरा व्यू, ताल नदी और एन सतपुले बाजार और मथी कोटदार रेल रोड के जबरदस्त व्यू आना चाहिए बड़े सतपुले देख लिया। और उन्हें तरफ या बांगाट गंडियाल कांसकत रेल रोड हमारे गाँव तरफ रेल रोड। तो फाइनली पहुंच गया हम ज्वालपा धाम, तो यक मतलब अभी हम मेन मती रोड में छा जक मटे ताल च मंदिर। तो चल छा फिर मंदिर में, तो इना तरफ देख लिया ये ज्वालपा मार्केट है बोर्ड, और इना तरफ चाहिए ज्वालपा मार्केट तो यक कुछ पूजा सामान दुकान छे, कुछ होटल रेस्टोरेंट वगैरह छे। तो इना तरफ दीदी मिल गया, अभी जरा मंदिर में प्रवेश करण वाल चाहिए। तो दीदी और नौ गाँव खा लग छा मुंबई रहता छे ना, और एक दर्शन करना पड़े छे तो बड़े लगे हर बार पहुंच जाता। हाँ हम जब भी घर आना हम जरूर आना, एक बहुत बड़े अपन कुल देवी दर्शन करना हम जरूर आना। ना नहीं बहुत बड़े, आप लोग जो भी आना एक तो जरूर मतलब मंदिर मतलब हाँ जी ना तरफ आओ तो मंदिर दर्शन जरूर करो कुल देवी मंदिर। अच्छा पूरी फैमिली ही जाओ? पूरी फैमिली ही, वो बच्चे से हस्बैंड जो ने एक हमारे करो होटल बीच नहीं। अच्छा चलो बड़े चबके दीदी मेरे वीडियो भी देखने रहते, दीदी ने पहचान दिया गेट में। आप लोग भी सब देखिए सब्सक्राइब करा, बहुत अच्छी वीडियो बना ले सब लोग देखना। हां चलो बहुत अच्छे लोग भरे के गांव है याद ले जाना ना। सही है मजबूरी से ना भर रहे हम, नौकरी चलती है सही बात, लेकिन हमारे साल आने से घर मतलब फैमिली घर में रहने सास ससुर सब ठीक है। अच्छा तो चलो ठीक ठीक दबा भी सर दियो मैं क्या। ठीक है जय ज्वालपा मां, जय ज्वालपा मां, सबको धन्यवाद, बाय बाय। चलो तीन तरफ कुछ दुकानें छिन, कुछ ना तरफ चुनी प्रसाद वगैरह दुकान है, तो प्रसाद वगैरह लेकर और ताल मंदिर से तक जा सकता। इना तरफ माँ ज्वालपा देवी के प्रवेश द्वार थे ज्वालपा धाम में आपका स्वागत है, और एक बटे हम प्रवेश कर सकते चाहो एक दान पात्र वो लिखी। तो बाकी ना तरफ एक ज्वालपा माँ जोत जली एक बटे आशीर्वाद लेकिन अरे ना तरफ चल चल ताल जय ज्वालपा देवी माँ। तो फाइनली माता जी ने बुलाई आल, तो इना तरफ भी रस्त लगी छे ताल ज्वालपा देवी मंदिर के। इना तरफ मतलब साइड में घंटे वगैरह भी लगे छे और मत टीन सेट वगैरह लगी छे, तो ठीक बरसात हो चाहे धूप हो आराम से मतलब मंदिर में दर्शन करने को जा सके। इना तरफ प्रसाद लिया था मन और अब पहुँचने वाला छो मंदिर में थोड़ा सही रहेगा। तब पहुँच गया यकम जकम विजय द्वार जकम मंदिर रख मतलब गेट इच मेन। जय ज्वालपा देवी। तीन आतर भाभी हम दर्शन करना खुने जाना चाहिए, आतर बैजी मिल के नाम थे कपूल सिंह पट्टी का कुलड़ी गांव का। तो बैजी पर गांव बुलाना चाहे तो मैं गे नहीं सका, भी बहुत सारे गांव रहे हैं ना जग नहीं गए सकते। आज आप लोग दर्शन करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बड़े आपका चैनल है नाम क्या है? राहुल उत्तराखंडी ब्लॉगर। अच्छा तो भाई चैनल तो भी खूब मतलब सब्सक्राइब वगैरह करें देखे हैं खूब,
बोली चीज आप अगने बढ़ाना चाहे आजकल लोग शर्माना चाहिए गड़ोली बुंदा में अच्छी बात है कि आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तभी मैं एथर फोन में बिल्कुल भाई चलो बहुत बढ़िया आप कौन जरूर वाला मैं फोन करूंगा आपसे हां जी धन्यवाद जय मां जलप जय मां जलप तरफ से प्रवेश द्वार जगंबट हम मंदिर में प्रवेश कर दछ जय मां जलप जय हो यकम देख लिया अच्छा तो यकम जूते यकम उतार दिला फिर ना अपने हाथ मुख देखो ना फिर चल शाम मंदिर में तो प्रवेश कर दछ मंदिर में जय मां जलप जय माता रानी जय हो तिना तरफ भीतर घर गिरे छ जय जल पर मैं तिना तरफ देख लिया के सुंदर तो देख लिया कितना सुंदर छ भीतर घर गिरे जय जल पर मैं नात्र भवन कुंज बाकी नात्र पूरे शिव परिवार च गणपति महाराज जी माँ काली यक मिशन मूंग प्रतिमा रखी यकम और नात्र पितृ शिवालय च बाकी नात्र काल भैरव नाथ जय काल भैरव नात्र जय बाबा वीरेंद्रपुरी और नात्र जो हालिन बाबा जी जी नूंक जय नात्र महाकाली मंदिर च जय महाकाली जय माता देख लिया तो ताल है जख्म नदी से देख लिया कितना बढ़िया व्यू चैत्र बड़ो अच्छू मतलब पुल बड़ी चाहिए क्या और तालाब न देख लिया कितना बढ़िया बहनी चकम ज़्यादा भाव तो नीचे भी भाव तो कम नीचे पर अच्छा लगन चाहिए बिल्कुल आत देख लिया ये आज ताल नदी और ऐत तरफ आप व्यू देखो कितना बढ़िया लगन चाहिए पुल बिच रेंज पूरा जंगल और बाकी ना तरफ कुछ दुकानी से ना बाकी मथी जौलप देवी मंदिर यह मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है और केदारखंड के अनुसार यहाँ तुलोम दानव की पुत्री सती ने इंद्र को पाने के लिए तपस्या की थी इसलिए इस मंदिर का महत्व बहुत ही पौराणिक है पुरखों से यहाँ अखंड ज्योत जलती आ रही है देश का सबसे बड़ा धार्मिक मान्यता है यह मंदिर अंथाल बंधुओं के द्वारा इसकी पूजा की जाती है पूरे भारतवर्ष से तीर्थयात्री माँ के दर्शन करने आते हैं और मान्यता है कि जो सच्चे मन से यहाँ आएगा उसकी मुराद जरूर पूरी होगी इसमें बुजुर्ग जवान बच्चे अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो तो बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं रखरखाव अंथाल बंधुओं से होता है इसलिए सभी से अनुरोध है कि एक बार माँ के दर्शन जरूर करें माँ ज्वालपा देवी का मंदिर देवी के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है यह मंदिर पौड़ी कोटदार सड़क मार्ग से 200 मीटर नीचे नया नदी के किनारे स्थित है इसकी स्थापना वर्ष 1892 में हुई थी यह मंदिर माता पार्वती के मुख्य रूप माँ दुर्गा को समर्पित है सदियों से इस मंदिर में माता ज्वालपा एक ज्योत दीप रूप में स्थित है जो कि दिन व रात जलती रहती है जो भी भक्तगण इस मंदिर में अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है बाकी यह मंदिर पौड़ी जिले में स्थित है जो कि कोटद्वार से 70 किलोमीटर दूर और पौड़ी से 33 किलोमीटर दूर है बाकी यह मंदिर साल के 12 महीने खुला रहता है आप लोग कभी भी इस मंदिर में आके माँ ज्वालपा देवी के दर्शन कर सकते हैं
बाकी अगर आपको पूजा पाठ छूड़ा क्रम विवाह व भंडारे करने हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो बाकी ना तरफ देख लिया ज्वाल प्रदेविक संस्कृत विद्यालय से, तो जो पंडित आयन कर देना तो होने कम से कम खुली स्कूल। तो बाकी आगे हम ज्वाल प्रदेविक दर्शन करेगा ना, आप लोगों ने भी कह रहे लोला परिक्रमण में कह रहे बोले थक लग गया मत याद आंदे, तो आशा कर दो आप लोगों ने अच्छा लगा ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है फिर आगे ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड जय देवभूमि जय ज्वालपुमा।